नमस्कार, मैं भावना ठाकुर और आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। और हम अभी यहाँ पर रातू रोड के पास खड़े हैं और यहाँ का नज़ारा देखिए आप। आप देख सकते हैं यहाँ पे भक्तों की कितनी भीड़ लगी हुई है। 2 साल बाद राजधानी में दुर्गा पूजा इतने हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। लगातार भक्त अभी भी आए जा रहे हैं और माता के दर्शन कर रहे हैं। पूरा राजधानी हमारा रोशनी से जगमगा रहा है, आप देखिए। रांची के हृदय स्थल अल्बर्ट एक्का चौक के पास वाले पंडाल चंद्रशेखर पूजा पंडाल में। यहाँ का पंडाल आप देख सकते हैं कि साउथ अफ्रीका की थीम पे बनाया गया है, जिसका फिश सबको आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। भी थकान नहीं दिख रही है कि लोग इस वक्त दिखे कहीं आपको गाड़ी में, पैदल, स्कूटी, बाइक सब पे आपको लोग मिल जाएंगे देखने को। यहाँ तक कि स्टॉल भी, खाने पीने के स्टॉल की भी भरपूर तैयारी की गई है। बच्चों के झूले से लेकर हर एक चीज़ की यहाँ पर पूरे इंतजाम है। लेकर राजधानी में सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम है। हर गली, चौबारे, चौक चौराहे पर हमारी रांची पुलिस तैनात है। रांची पुलिस सिविल ड्रेस में और वर्दी में दोनों तरह से तैनात है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए शक्ति कमांडो को भी तैनात किया गया है। आइए हम बात करते हैं कि अपने श्रद्धालु से जो 2 साल के बाद कोरोना के बाद मज़ा आ रहा है सब देखने में, एंजॉय कर रहे हैं। कहाँ कहाँ से आप अभी घूम के आए? अभी हम लोग बकरी बाजार से आए हैं, ओसीसी क्लब से आकर आ गए, मारवाड़ी भवन उधर से भी आ गए। कहाँ का आयोजन आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा? सबसे ज़्यादा सबसे अच्छा ओसीसी क्लब जो था, वहाँ का मूर्ति अच्छा लगा और बकरी बाजार का पंडाल अच्छा लगा। बहुत अच्छा लग रहा है, 2 साल के बाद मौका मिला है। और क्या अपने यहाँ पंडाल में और क्या क्या चीज़ इंजॉय किए? किसके साथ आए अभी आप? अपनी फैमिली के साथ। धूमधाम से महाराज दुर्गा पूजा मनाया जा रहा है। इस बार बहुत ज़्यादा संख्या में लोग आ रहे हैं देखने के लिए, घूमने के लिए। 2 साल बाद आपको आयोजन करने का मौका मिला, आपको कैसा लग रहा है और भक्तों की कैसी यहाँ पे चहल पहल है, क्या बता रहा है? बहुत 2 साल बाद हो रहा है तो श्रद्धालुओं में और भी उत्साह दिख रहा है और क्राउड बहुत ही ज़्यादा दिख रहा है पहले के मुताबिक। यहाँ ये पंडाल मतलब तैयार करने में मैं सुन रही हूँ कि इको फ्रेंडली पंडाल, तो कितना समय लगा? ये जो पंडाल दिख रहे हैं इसका नाम है ऑडम। ऑडम मीन्स है जो आदिवासी थीम पे, जो जैसे घर बनते थे ना आदिवासी पूर्वज जमाने में, तो लकड़ी से, पुआल से, पूछ से, जो पूछ देखे होंगे उससे बना हुआ है पूरा, इको फ्रेंडली और हैंडमेड। सबसे बड़ी बात है कि हैंडमेड से है। बहुत सारी बारीकी चीज़ें आप देखे होंगे तो हैंडमेड। सर,
सर कितना समय लगा इस पंडाल को? इसको 3 महीने लगा। जैसे यहाँ तो बेसिकली यहाँ तो आपका जो भी काम चल रहा था वो 1 महीने से चल रहा, लेकिन हम लोग का कंटई में जो काम चल रहा था वो 2-3 महीने पहले से काम चल रहा था। सर 2 साल बाद दुर्गा पूजा का आयोजन रांची में इतने धूमधाम से हो रहा है, कैसे कितना समय आपको आयोजन में लगा, कैसी तैयारियाँ इस बार की, क्या थीम है? करीबन 2 से 2.5 महीने हम लोगों को तैयारी करने में लगा, और जो आप देख रहे हैं पूजा पंडाल चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति 1971 से यहाँ पे पूजा करते आ रही है, और साउथ अफ्रीका का फिर फेस्टिवल के तर्ज पे मनाया गया है। हमारे पूजा पंडाल का जो आप देख रहे हैं जो 30 फीट का जो मछली है, ये आकर्षण का मुख्य केंद्र है। आप पंडाल का जो मुख्य द्वार के ऊपर में आप देख रहे हैं वो 20 फीट का मुड़ा है, फिर इसके अंदर में भी मछली है जो आप देख रहे हैं कि आदिवासी कल्चर के अनुसार तीर में लटका हुआ है और उसको आग से सेक रहे हैं, उस थीम पे बना हुआ।